हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो है पिंकी के ऊपर। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग इनको अरमान मलिक की कॉपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। पिंकी का एक वीडियो आया है जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पिंकी के हस्बैंड जो हैं वो विकास नाम है उनका, तो आप सब लोग उनको भी जानते हैं, और उनकी एक वाइफ और हैं जो सोनू नाम से हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं वो, मतलब काफ़ी नहीं, मैं यही बोलूँगी कि मतलब वायरल हैं। कहीं ना कहीं ये इसी चक्कर में भी वायरल है कि इनकी दो वाइफ हैं विकास जी को, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा देखते थे। और पिंकी की शादी जब हुई है तब चीज़ें कैसी थी कैसी नहीं थी, वो सब चीज़ों पर मैं बात करूँगी। साथ ही मैं ये बात करने वाली हूँ कि इनका अभी फ़िलहाल में पिंकी से डाइवोर्स हो रहा है, वो एक वीडियो पिंकी ने अपलोड किया है, तो मैं उसी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। आप सब लोग सोनू को बहुत ज़्यादा भोली भाली समझते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि जिस तरीके से पायल के साथ बहुत गलत हुआ, अरमान की लाइफ में कृतिका आई, तो वो सारी कहानी सेम लोग इनके लिए इमेजिन करते हैं। एक टाइम था कि जब मुझे भी ऐसा फील होता था, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है और हमें दिखाया कुछ और जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही सच शेयर करने वाली हूँ कि जो कि हम लोगों की नज़रों में शायद ज़्यादा हाईलाइट नहीं है आज के समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए आते हैं अभी वीडियो के ऊपर। तो वीडियो में आप लोगों ने पिंकी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके डाइवोर्स का सीन चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग सोनू को ना बहुत ज़्यादा संपत्ति देते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा उनको संपत्ति देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं कि भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन वो सोनू इतनी शरीफ भी नहीं है जितनी आप लोग शरीफ उसे समझते हैं। सच बताऊँ तो सच्चाई यही है कि सोनू ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। एक टाइम था जब सोनू और विकास भाई की आपस में जो भी बॉन्डिंग थी वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक टाइम आया जब इन लोगों का आपस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सोनू अपना भाग गई थी विकास को छोड़ के। जी हाँ, विकास को छोड़कर वो भाग गई थी, और वो इस तरीके से भागी थी कि आप मानो कि दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी वो। तो सोनू ने भी कुछ कम नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत ज़्यादा रायते उन्होंने भी अपनी लाइफ में निकाले हैं, किए हैं। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पे उतनी चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई हैं कभी भी, या इनके ऊपर वीडियोस नहीं बनते तो इनका पता नहीं चलता किसी को ज़्यादा, लेकिन इन्होंने भी एक टाइम पे इस तरीके की हरकत की है कि वो विकास को छोड़ के भाग गई थी। और अरमान की जो शादी है, वो अरमान की शादी, अरमान की बीवी पायल साथ में ही थी जब उनकी शादी हुई, और उनका सीन तो आप सबको पता है। लेकिन इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं है, इनकी लाइफ में ये है कि पहले सोनू भाग गई थी लड़ झगड़ के, उसके बाद विकास अकेले थे, विकास अकेले रहते थे, सब कुछ अकेला था। तो उस समय के बीच में जब एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, या आप ये कह लो या ये मान लो कि उस समय उस दुख की घड़ी में पिंकी थी जिसने विकास का साथ दिया, और विकास के साथ उस समय पिंकी ने शादी की और उनकी हाँ लव मैरिज है, तो उन्होंने शादी की और शादी के बाद वो लोग साथ में रहना शुरू हुए। देन उसके बाद ये पिंकी और विकास की ज़िंदगी में सोनू बाद में वापस दोबारा से आई। तो जब एक बार छोड़कर भाग गई थी तो उसको तभी सोचना चाहिए था ना कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। और जब वो बाद में आई तो आज लोग बोलते हैं कि सोनू के साथ बहुत गलत हुआ, पिंकी ने इनके घर को बर्बाद कर दिया, पिंकी ने ये कर दिया, पिंकी ने वो कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि विकास को तो ऑलरेडी बर्बाद सोनू ने किया था। और वही सोनू बाद में पिंकी और विकास की लाइफ में आई है, और बाद में आने के बाद उनके दो बच्चे हुए हैं, और ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब रायता फैला है। और आज की डेट में इस तरीके से सोनू ने अपनी जाल को बिछा दिया है कि वो पिंकी से विकास अलग होना चाहते हैं, और इनका शायद 15 दिन में आई थिंक डाइवोर्स का सीन चल रहा है कुछ, कि 15 दिन में इनका डाइवोर्स होने वाला है, पिंकी ने बताया। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा गंदगी बोलते हैं, बहुत हेट करते हैं पिंकी के लिए कि पिंकी ने घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो विकास की ज़िंदगी में ना आती तो शायद विकास दुनिया में भी नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार इंसान के साथ में कि वो इंसान टूट जाता है, और अगर उस समय कोई सहारा देने आ जाए
तो शायद उसकी ज़िंदगी भी बच जाती है। तो कहीं ना कहीं एक विकास की ज़िंदगी बचाने के पीछे पिंकी का हाथ था, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी पिंकी को क्या मिला? नफ़रत और गंदगी, और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और आज भी इतनी हेट और इतनी गंदगी सिर्फ पिंकी झेल रही है, जबकि पिंकी को लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिंकी की वजह से ही कहीं ना कहीं विकास अभी दुनिया में भी हैं। और ये बोलूँगी कि उनका घर कहीं ना कहीं सही चल रहा था, और पिंकी ने तो बल्कि सोनू के ऊपर एक तरीके से एहसान ही किया है कि इनके बाद में आने के बावजूद भी उसने अपने पति को इनके साथ शेयर किया। जबकि लोगों को लगता है कि सोनू के साथ गलत हुआ और सोनू ने अपने पति को शेयर किया पिंकी के साथ, और पिंकी के साथ जो चीज़ें हैं वो अरमान मलिक जैसी हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सच शायद नहीं पता, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं सोनू के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हो। और आप लोगों ने इनके इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये लोग वायरल हैं, इनको बहुत हेट मिलता है, बहुत गंदगी मिलती है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन शायद जो लोग सच जानते हैं वो लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, अभी जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे लगता है कि पिंकी को अपनी तरफ से अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, और अपना जितना भी इनका खुद का है, जो भी इनको खुद को बताना है अपनी पब्लिक को, मुझे लगता है कि अब सच बोल देना चाहिए। इतना भी शांत रहने की ज़रूरत नहीं होती है एक इंसान को, बर्दाश्त करने की भी कुछ सीमाएं, कुछ हदें होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ें सीमा और हद से बाहर चली जाए तो इंसान को आकर अपनी पॉइंट को रखना चाहिए। और अभी भी जो चीज़ें फ़िलहाल में हो रही हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं पिंकी के साथ, क्योंकि पिंकी को लोगों ने तो बदनाम किया ही किया, साथ में उनका घर इस समय बर्बाद हो रहा है। जिस घर को, दूसरे के घर को उसने बचाया था आकर, जिस इंसान के लिए उसने अपने आप को, मतलब अपनी परिवार तक को छोड़ दिया है ना, लव मैरिज किए इन्होंने सोनू ने, सॉरी पिंकी ने विकास के साथ। तो जब इन्होंने लव मैरिज की है तो इन्होंने अपना परिवार तक छोड़ दिया एक आदमी के लिए, और आज वही आदमी इस औरत को इस हालात में छोड़ रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पहले आप सच को जानिए, अच्छे से सच को जानिए, उसके बाद आप किसी को क्लियर बोलिए कि हाँ तू ऐसा है या तू वैसा है, ठीक है? क्योंकि आधी जनता तो यही नहीं जानती है कि सच है क्या, इनके मैटर का मेन रीज़न क्या है, मेन मकसद क्या है, कौन बाद में आया, कौन पहले आया, किसने कांड किया, किसने गंद किया, किसने ज़िंदगी दूसरे की बर्बाद की है ना, और किसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। आप लोगों को अभी भी लगता है कि सोनू के साथ ये सब गलत हुआ, तो मैं ये कहूँगी कि सोनू तो जब चली ही गई थी तो फिर उसके बाद कोई भी आए जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर उसने वापस ही आना था तो उसको जाने का मतलब नहीं था। और अब जब चली गई है तो फिर वापस आई है तो फिर उसके बाद तो उसको वही जूठन ही मिलेगी ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा है ना। तो आज की डेट में ये पूरा इनका सिनेरियो है, और बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग वीडियो को आगे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारी बातें हैं जो और भी हैं मेरे पास इनकी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस समय पिंकी को अपनी हिम्मत रख के चीज़ों को बताना चाहिए, मुझे लगता है कि अब सच बाहर आना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।